नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम एक टीचिंग मेथड्स के अंदर एक नई यूनिट हम पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है। चाहे आप मैथ्स के टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, साइंस के पढ़ रहे हैं, हिंदी के पढ़ रहे हैं, संस्कृत के पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के पढ़ रहे हैं, तो ये जो पार्ट है शिक्षण के उद्देश्य BS ब्लूम वाला जो सिस्टम है, ये हर एक चीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसमें से आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा लगातार एग्ज़ाम के अंदर उठते हैं। सेकंड ग्रेड की बात करूं, रीट के अंदर तो कहना ही क्या है। रीट के अंदर तो देखिए 500 आपके सब्जेक्ट्स हो गए, साइकोलॉजी के अंदर इनमें से क्वेश्चन आएंगे, आपके मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, तो यानी हर सब्जेक्ट के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन उठते हैं। वो टॉपिक का नाम है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य बिल्कुल अच्छे से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। शिक्षण के उद्देश्य बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सरल है, इम्पोर्टेंट भी है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं कह सकते आप, बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब बताओ मुझे, कोई शिक्षा आप किसी भी सब्जेक्ट की देना चाहते हैं तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षा आप देना चाहते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होगा, यानी हम क्यों किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा देने की हमें जरूरत पड़ी है, क्यों हम इतने इतने सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों आप पढ़ रहे हैं, तो हर एक क्षेत्र के अंदर इन चीज़ों का प्रयोग होगा। चाहे जो मेन उद्देश्य की बात करें, वैसे अलग अलग समय समय पर आपके जो लक्ष्य हैं वो बदलते जाएंगे, लेकिन उद्देश्य हैं वो शिक्षा का एक ही रहने वाला है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आदर्श नागरिक बनाना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आदर्श नागरिक बनाना। ध्यान से सुनना, यानी जितने भी आज साल पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे तो एक आदर्श नागरिक, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आपके विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आएंगे। ये जो चीज़ें हैं वो आपके अभी जो वर्तमान के अंदर, क्योंकि उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे पदों के अंदर बढ़ना पड़ता है, 1 साल हो गया, 2 साल, इस प्रकार छोटे छोटे पदों के अंदर, उन्हें ही आप विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। छोटे छोटे उद्देश्य और होते हैं आपके, यानी ये तो एक आपका मेन शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि एक बालक को आदर्श नागरिक बनाना है, एक बालक को आदर्श नागरिक बनाना है। लेकिन इस आदर्श नागरिक तक पहुँचने के लिए, इस आदर्श नागरिक तक पहुँचने के लिए हमें कितने सालों तक पढ़ना पड़ेगा, कितने हमारे और जो छोटे छोटे उद्देश्य हैं जिन्हें हम विशिष्ट उद्देश्य अभी हम बात करने वाले हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य होगा जिसमें ये आप दीर्घकालीन होगा। अब ये जो प्रक्रिया आपकी दीर्घकालीन है, लंबे समय तक आपकी चलने वाली है, यानी इसका कोई अंत नहीं, जब तक आदर्श नागरिक नहीं बनेंगे तब तक ये चलती रहेगी। लेकिन एक आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य यहाँ तक पहुँचने का मार्ग है, यानी आप पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, दूसरी में पढ़े, 10वीं में पढ़े, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी लगेंगे, तो ये सारे क्या हैं? विशिष्ट उद्देश्य। तो ये एक तो मेन उद्देश्य हो गया शिक्षा का कि एक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना। और साथ साथ में शिक्षा का एक और उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया का एक और उद्देश्य क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति के या एक बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। एक व्यक्ति, एक बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, इसे सुनना क्या होता है? वांछित परिवर्तन यानी मेरी इच्छा के अनुसार, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी को कोई भी नशे की लत लग जाती है, तो उसे शिक्षा के द्वारा कैसे सुधारा जा सकता है? अब ये एक तो एक मान लीजिए एक क्लास की बात नहीं है, एक बार समझाऊंगा तो इससे तो आप नशा नहीं छोड़ेंगे कि एक बार मैंने समझा दिया तो नशा छोड़ देंगे। तो इसके लिए कितने प्रयास हमें करने पड़ेंगे, लगातार हमें प्रयास करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा तक टाइम जाएगा, उसके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करनी है कि भाई नशा गलत चीज़ होती है, उसे थोड़ा बहुत दंड भी देना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा, तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। और कोशिश हम क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने के लिए, क्योंकि शिक्षा देखो अब वो सीख जाएगा तो एक आदर्श नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऐसे ही कोई उदंडी बालक है, वो पढ़ता नहीं है, तो अब एक बार समझाने से थोड़ा ना पढ़ने लग जाएगा वो, बार बार उसे शिक्षा के महत्व के बारे में हम बताएंगे कि बिना शिक्षा के आप कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते, आगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, नौकरी नहीं लग सकते, नौकरी नहीं लगोगे तो आपकी शादी नहीं होगी, तो इस प्रकार चीज़ें उनको सिखानी पड़ेगी। सीधी सी बात यही है कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि एक बालक को आदर्श नागरिक बनाना।
मेन उद्देश्य यही है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए यानी छोटे छोटे मार्ग बनाए जाएंगे, यानी पहला मार्ग पार किया, दूसरा मार्ग पार किया, और वो जो मार्ग प्राप्ति के मार्ग होंगे उन्हें आप विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे। तो यही है आपके शिक्षण के उद्देश्य। एक शिक्षक चाहेगा कि जो वो चाहता है, वो जो चाहता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, यानी अब बालक को कोई कंसेप्ट, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं आपको सरल ब्याज सिखा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, ठीक है। अब मैंने सरल ब्याज सिखा दिया आपको, बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की है, कई विद्यार्थियों ने सीखा भी है, तो अब मैं चेक करूँगा कि मैं जो मैं चाहता था कि बालकों को अधिगम हो, बालकों को जो मैं ये सरल ब्याज सिखाना चाहता था वो सन में आए, तो उसके लिए मैं आपका थोड़ा बहुत जांच करूँगा, परीक्षण करूँगा, टेस्ट लूँगा। अगर मुझे प्राप्ति हो जाती है, मुझे पता चल जाता है कि भाई सभी विद्यार्थियों को सरल ब्याज आ गया है समझ में, तो मेरे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य क्या था कि आपको सरल ब्याज सिखाना, ध्यान से सुनते रहिएगा, मेरा उद्देश्य क्या था कि आपको सरल ब्याज सिखाना है, और सरल ब्याज सिखाने के लिए मैंने पूरा पहले देखिए लेक्चर आपके लिए लिया, दो तीन क्लासेज आपके लिए ली, फिर आपका मैंने मूल्यांकन किया, फिर मैंने देखा कि बालकों को किस हद तक अधिगम, यानी किस स्तर तक बालकों को अधिगम हुआ है, यानी कितना वो सीख पाए हैं मुझसे। अगर वो सफल है, अगर वो मान लीजिए जो मैंने समझाया है उसके अनुरूप वो चीज़ें सीख चुके हैं, तो मेरा अधिगम क्या हो गया, मैं जो अधिगम प्रोवाइड करा रहा था वो सफल हो गया, मेरा शिक्षण कार्य सफल हो गया, और मुझे जो उद्देश्य मैंने रखा था कि भी मुझे सरल ब्याज सिखाना है, उस उद्देश्य की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उस उद्देश्य की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है भाई शिक्षण के उद्देश्य, और ऐसे ही गणित के अंदर भी इनका बारंबार हम प्रयोग करते रहेंगे। तो कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं शिक्षण उद्देश्य के अंदर, सिंपल सी बात है, फिर आगे और हम बढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर वांछित परिवर्तन हो। तो कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, बाकी नोट्सों के अंदर मैंने जो नोट्स हैं इसके वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना और उनको बनाना या फिर उनको प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि काम के नोट्स हैं और मैंने बिल्कुल शॉर्ट भाषा के अंदर, बुकों के अंदर तो बेवजह की लैंग्वेज देर की है, एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और यही हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, और ऐसी ही कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं आप, शिक्षण के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, कि शिक्षण क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में, जिसके द्वारा शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जा सके, में वांछित, वांछित यानी मैं मेरी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकूं, वांछित लिख सकते हैं इच्छा के अनुसार, परिवर्तन किए जा सके, तो ये क्या होगा भाई, शिक्षण के उद्देश्य के अंदर हम पढ़े हैं, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर पढ़े हैं, शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण होता क्या है जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हम कर सकें। अब इसके अंदर सबसे बड़ा नाम आएगा, और इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है भी, डॉक्टर बीएस ब्लूम के बारे में। बीएस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विधि तीन ध्रुव के आधार पर क्या है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप थोड़ी सी, शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है कि शिक्षण कैसे संभव होगा, क्या क्या उसके अंदर करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लिख लो इसको, ठीक है। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तीन ध्रुवों पर आधारित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देखिए नोट्सों के अंदर जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल मात्र पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ, नोट्सों के अंदर चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, हरेक छोटी से बड़ी बात मैंने लिख रखी है इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो वो नोट्स जरूर देख लेना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बीएस ब्लूम के अनुसार हम करेंगे, शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया, तो इसके अंदर भी बहुत सारे आपके बी एस ब्लूम के सहयोगी आएंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसका एक और वर्गीकरण आएगा जिसके अंदर हम पक्षों के बारे में बात करेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, जिसमें बी एस ब्लूम का उनके साथी भी सहयोग करते हैं और बी एस ब्लूम भी उसके अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग हम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उनके बारे में कुछ विशिष्ट शब्दावलियाँ भी आएंगी कि वो शब्दावलियाँ आपको याद भी रखनी है, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तीन दूरों पर आधारित है बी एस ब्लूम की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक एक चीज़ हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, शिक्षण उद्देश्य, यानी जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य शिक्षक निर्धारित करेगा कि मुझे ये चीज़ पढ़ानी है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, शिक्षण उद्देश्य, ये तीन ध्रुव आधारित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से, लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रीट का करोगे, सेकेंड ग्रेड का अंदर करोगे, तो इसमें से ही एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। रीट के अंदर तो दो तीन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रीट के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि दोनों के लिए ही मैं टीचिंग मेथड्स आपको बता रहा हूँ, तो दोनों के अंदर ही आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कक्षा के अंदर कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, मैं अनुपात समानुपात आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो अनुपात समानुपात मैंने पहले मेरा उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि मुझे मेरे छात्रों को समान अनुपात, अनुपात समानुपात मुझे सिखाना है, रेशियो एंड प्रोपगेशन टॉपिक मुझे आपको सिखाना है, इसका अधिगम आपको कराना है। अधिगम क्या होता है, अच्छे से आप जानते होंगे कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, सीधी सी बात है कि बालक को कुछ भी आप सिखा रहे हैं तो उसके व्यवहार में कितना स्थायी परिवर्तन हुआ है। अब देखिए अधिगम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, व्यवहार में कितना स्थायी परिवर्तन हुआ है कोई भी जो चीज़ आप सिखा रहे हैं, और थकान, बीमारी, इनको आप देखिए इनसे भी व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उन्हें आप अधिगम नहीं कह सकते। तो अधिगम क्या होगा कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये डेफिनेशन सही होगी कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है, और ये अच्छे से आप जानते भी हैं साइकोलॉजी वगैरह के अंदर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, तो इसके बारे में अच्छे से आपने बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं कि अधिगम वास्तव में होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षण उद्देश्य की, तो मैं आपको अनुपात समानुपात सिखाने का मैंने उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि मुझे हाँ कि आज मुझे शिक्षण उद्देश्य मेरा ये है कि मुझे आपको अनुपात समानुपात सिखाना है। ठीक है, आप जैसे बीएड के अंदर भी आपने ये चीज़ें की होंगी, डायरी वगैरह बनाई है, तो उसके अंदर भी आप अपना एक प्रायोजन तय करते थे कि मुझे इस क्लास के अंदर धातु के बारे में बताना है, मुझे इसके क्लास के अंदर आपका लाभ हानि बताना है, तो ये आपने निर्धारित किया था। फिर उसके बाद आप अलग अलग स्तर पर क्वेश्चन भी पूछा करते थे, उसमें उसको पढ़ाने के लिए विभिन्न साधनों का, विभिन्न विधियों का प्रयोग, आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करते थे, आगमन निगमन इन विधियों का मेथड्स आप प्रयोग में लेते, जितनी भी मैथ्स के अंदर टीचिंग मेथड्स हैं, तो यानी ऐसा बीएड के अंदर भी आपने बहुत बार ऐसी चीज़ें की हैं। तो वही चीज़ है शिक्षण उद्देश्य, आप समझ चुके होंगे शिक्षण उद्देश्य क्या होगा कि कोई भी शिक्षक है जो अपने छात्रों को पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक उसने उद्देश्य तय किया है कि मुझे आज उसको ये चीज़ सिखाना है, तो ये चीज़ सिखाना है, तो वो ही क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि तीन ध्रुव यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह क्या करेगा, यहाँ पर शिक्षण अधिगम अनुभव या फिर अधिगम अनुभव, यानी कैसे वो उन्हें अधिगम प्रोवाइड करवाएगा, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कई बार सीधा ही पूछ लेता है बी एस ब्लूम की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर निम्न में से कौन सा अवयव नहीं है, सीधा सब पूछेगा कौन सा अवयव नहीं है, तो यहाँ पर तीनों नाम आपको ये मिलेंगे और एक चौथा कोई और अन्य नाम आपको दे दिया जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना है। शिक्षण अधिगम अनुभव या फिर आप कह सकते हैं साधन कह सकते हैं, जिनका एक शिक्षक पढ़ाने के लिए प्रयोग में लेगा, वही सारे क्या हैं, या अथवा एक नाम और दे सकते हैं अध्ययन अधिगम परिस्थितियाँ, अध्ययन, ये सारे नाम इसके हैं अध्ययन अधिगम परिस्थितियाँ। अब देखो इसके बाद क्या करेगा, शिक्षक ने ये अपना उद्देश्य तय कर लिया कि मुझे आज की क्लास के अंदर अनुपात समानुपात सिखाना है मेरे छात्रों को, अनुपात समानुपात सिखाना है, ये उसने निर्धारित कर लिया। अब अनुपात समानुपात सिखाना है ये निर्धारित हो गया, उसके बाद क्या होगा, शिक्षक क्या करेगा, सीधा सा सोचना है आपको,
क्या कर सकता है, उसके बाद उसे पढ़ाना पड़ेगा, वो प्रक्रिया उसे जो उसने उद्देश्य लिया है उसे क्रिया में लाना पड़ेगा, उसे पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए विभिन्न साधनों का वो प्रयोग करेगा, श्यामपट का प्रयोग करेगा, विभिन्न टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेगा। तो जो भी उसके अधिगम अनुभव हैं, जो भी वो छात्रों को सिखा रहा है, जिस विधि द्वारा वो सिखा रहा है, वो सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, अधिगम अनुभव के अंदर, या इसे ही साधन कहेंगे। साधन सीधी सी बात है क्या हो गया, आपकी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। और जो भी वो चीज़ें काम ले रहा है, बोर्ड काम ले, श्यामपट काम में लेगा, कोई चार्ट मॉडल वगैरह जो भी वो चीज़ सिखाने के लिए काम में लेगा, रूलर काम में लेगा, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएंगी, शिक्षण अधिगम अनुभव के अंदर। अब चीज़ें सिखा दी हैं, उद्देश्य भी निर्धारित कर लिया है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अंतिम काम होगा उस चीज़ का मूल्यांकन करना कि जो मैंने सिखाया है, जो मैंने मेरे छात्रों को ज्ञान दिया है, जो मेरे छात्रों को अधिगम मैंने प्रोवाइड करवाया है, वास्तव में उन्हें उसका कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, वो जो मैं चीज़ सिखाना चाहता था वो मेरे छात्रों को प्राप्त हुई या नहीं हुई, उसके लिए क्या करेगा, वो मूल्यांकन करेगा। सीधी सी बात है, उपलब्धि का मूल्यांकन करेगा, यहाँ पर सीधा कह सकते हैं, या फिर उपलब्धि का मूल्यांकन, उपलब्धि मूल्यांकन, यानी उन्हें कितनी उपलब्धि हुई है, समझे ना बात को, कि उसे उपलब्धि कितनी हुई है, ठीक है, उसे उपलब्धि कितनी हुई है उसका मूल्यांकन करेगा, और उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतनी उपलब्धि हुई है, जो मैं अनुपात समानुपात सिखाना चाहता था छात्रों को समझ में आ गया। तो ये है भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बीएस ब्लूम के अनुसार, बीएस ब्लूम के अनुसार अच्छे से इसको देख लो, ये चीज़ याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी संभावनाएं बनती हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य लिख लो। देखिए सामान्य और विशिष्ट, अभी जो मैं बात कर रहा था ना शुरुआत के अंदर, उनके बारे में अंतर कई बार पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके अंतर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि शिक्षण का सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, एक छात्र को आदर्श नागरिक बनाना, शिक्षण के उद्देश्य। अब इसके अंदर दो प्रक्रियाएं आपकी आएंगी, इससे ये दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो सामान्य, सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, या इसे ही आप प्राप्य उद्देश्य कह सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, या इसे आप प्राप्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य या फिर प्राप्य उद्देश्य, एक ही बात है, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य या फिर प्राप्य उद्देश्य, एक मिनट भी मार्कर वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके बारे में, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं कि सामान्य उद्देश्य आप किसे कहेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है आप उसे किसे कहेंगे, इन दो प्रकार के हो गए। सामान्य उद्देश्य तो सीधा वही है जो मैंने आपको बताया कि यानी दीर्घकालीन हो गए, दीर्घकालीन प्रोसेस हो गई, आदर्श नागरिक बनाना, एक छात्र को आदर्श नागरिक बनाना, अब देखो आदर्श नागरिक आप बनाओगे किसी को भी, आदर्श नागरिक बनाएंगे तो ये तो भैया बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, एक दिन के अंदर तो कोई आदर्श नागरिक नहीं बन सकता, इसके अंदर आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए, तो यानी बहुत लंबी प्रोसेस ये आपकी होगी, तो यानी इसके अंदर क्या होगा, आदर्श नागरिक बनाना है तो ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन वहीं हम बात करें विशिष्ट उद्देश्य, ये आपके अल्पकालीन होते हैं, अल्पकालीन यानी क्लास के अंदर आपने तय कर लिया, कैसे, इसी के एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मान लीजिए आपको 10वीं के अंदर 90% बनाने का अपने लक्ष्य या फिर उद्देश्य, देखो उसे उद्देश्य या लक्ष्य एक ही बात है कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो आपने 10th के अंदर रख लिया कि आपको 90% बनाने हैं, ये उद्देश्य या लक्ष्य आपने तय कर लिया, यानी एक साल हो गया, लंबा टाइम है।
अब एक साल में 90% बनाने के लिए आपको देखो पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाए पूरा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी, टेस्टों के अंदर दिन ब दिन आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो यानी ये पूरी प्रोसेस देखो, छोटे छोटे जो प्रक्रिया एक एक चीज़ प्रक्रिया मिलेगी। देखो 90% बढ़ाने हैं तो आपको संस्कृत भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, आपको मैथ्स भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, जितने भी आपके टेंथ के अंदर छः विषय लगते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, आपको अंग्रेजी भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छी पकड़ होगी तो ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं कि आपको जो 90% बनाना है, ये उद्देश्य आपने रख दिया। ये सामान्य प्रयोजन था, लेकिन विशिष्ट प्रयोजन क्या हो गया कि जो 90% आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने का मार्ग, उसे प्राप्त करने का मार्ग यानी आप रोजाना क्लास आएंगे तो ये भी आपका एक उसके अंदर सहयोग करेगा कि हाँ छात्र रेगुलर है तो उसे चीज़ें समझ में आएंगी। रोजाना आप जो पढ़ाया हुआ है वो पढ़ेंगे, फिर आप रोजाना हर सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छी पकड़ रखेंगे। तो ये सारे क्या हैं, टेस्ट आप देंगे रोजाना, टेस्ट जो भी टेस्ट आपके होंगे शिक्षक सुनेगा आपसे तो आप उनके जवाब देंगे। तो यानी ये क्या है, सारे फॉर्मूले वगैरह आप याद रख पाओगे। तो ये सारे छोटे छोटे जो मार्ग हैं उस 90% तक पहुंचने का एक प्रकार से आप कह सकते हैं रास्ता है या मार्ग है, या छोटे छोटे जो पद मिलकर ही विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि छोटे छोटे जो आपके विशिष्ट पद हैं, एक प्रकार से छोटे छोटे पद या विशिष्ट उद्देश्य हैं मिलकर ही, बहुत सारे विशिष्ट उद्देश्य मिलकर ही आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आप सामान्य प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं। तो यही इनमें अंतर है, ठीक है। ये अल्पकालीन है, ये क्या होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, बस इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ये शिक्षण का एक सामान्य प्रयोजन आदर्श नागरिक बनाना, और ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य कक्षा तक ही सीमित होते हैं, यानी ये कक्षा तक सीमित होते हैं। अब देखो अंतर एक सीधा सा कह सकते हैं, अब कोई आदर्श नागरिक है, कोई बालक आदर्श नागरिक आप बना रहे हैं तो केवल मात्र ऐसा नहीं है कि आपने उसे साइंस रटा दिया, मैथ रटा दिया तो वो आदर्श नागरिक बन गया, नहीं, उसके किस प्रकार वो समाज के अंदर रह रहा है, उसका कैसा सामाजिक जीवन है, कैसा व्यवहार है, यानी एक डेफिनेशन हम लिखते हैं कि पढ़ना और गुणना, ये दो शब्द हम बोलते हैं, पढ़ना है आपको कहते हैं कि थे पढ़ेड़ा यो गुणेड़ा कोनी, तो ये जो चीज़ें हैं गुणना इसी के अंदर आएगा, गुणेगा कब, वो साथ में पढ़ेगा, वो साथ में उसे गुणना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, वो गुण भी सकता है, वो यानी जो आपने तय किया है वही विशिष्ट उद्देश्य, यानी मुझे क्लास के अंदर समान अनुपात सिखाना है, तो वे क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य इसको प्राप्त करने के मार्ग हो गए, सीधी सी बात है, ये आपकी संकुचित क्षेत्र हो गया, ये क्या है, छोटा क्लास कक्षा तक ही सीमित है, ये कक्षा तक ही सीमित है, लेकिन ये कक्षा तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, इनके अंतर, इनके दोनों के अंदर क्या है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के अंदर दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, लिख लो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। मैंने आपको बता दिया कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्ति करने के मार्ग, आप ऐसा डायग्राम भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये मार्ग हो गए प्राप्त करने के, यानी इस प्रकार अगर आप बात कर रहे हैं ये सारे क्या हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य, ये सारे आपके क्या हैं विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या है सारे विशिष्ट उद्देश्य, और यहां पर क्या है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो उद्देश्य। तो यानी ये छोटे छोटे मार्ग हैं, पहले ये मार्ग, फिर ये आपने प्राप्त कर लिया, फिर ये कर लिया और फिर आप उस मेन मोटिव तक पहुंचते हैं जो आपको प्राप्त करना था, एक आदर्श नागरिक आपको शिक्षा बनाती है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो विशिष्ट उद्देश्य है उसे प्राप्त करने का एक मार्ग है। तो यही हम बात कर रहे थे। तो चलिए अब इनके अंतर के बारे में हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, और इन उद्देश्यों की पूर्ति है, देखिए अल्पकालीन मैंने कह दिया तो अल्प समय के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है दीर्घकालीन है। अब इन दोनों में अंतर हम बात करते हैं भाई, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, वास्तव में पूरी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े शिक्षण विधियाँ, रटेंगे तो भी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी ये चीज़ें। शिक्षण के उद्देश्य अब लिख सकते हैं आप, देखो यहां पर आप मान लीजिए सामान्य उद्देश्य, अंतर करेंगे अपन, और यहां हो गए आपके विशिष्ट उद्देश्य,
अब हम अंतर लिखते हैं दोनों के अंदर, थोड़े बहुत अंतर करेंगे। तो सबसे पहले एक एक हम बात करेंगे, यहाँ पर नंबर भी लिखा सकते हैं या फिर आप फ्रेंड देगी। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य उद्देश्य है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि बड़े स्तर पर है आप आदर्श नागरिक बनेंगे तो ये बड़ा स्तर आपका हो गया। तो यानी सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, क्षेत्र क्या है, व्यापक है, क्षेत्र लेकिन हम बात करें विशिष्ट उद्देश्य की तो यहां पर क्षेत्र क्या होगा, संकुचित, केवल मात्र कक्षा तक ही सीमित है, संकुचित, ये याद रख लेना भाई अंतर इनके, संकुचित होता। ये क्या है आपकी, एक दीर्घकालीन समय है, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन होते हैं, प्राप्त करने में अधिक श्रम व साधन की आवश्यकता, अधिक श्रम व साधन की आवश्यकता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम व आवश्यकता। ये क्या होते हैं, अल्पकालीन, ये भी हम बात कर चुके हैं, या फिर तत्कालीन, तत्कालीन होते हैं। तो ये चीजें भी आप समझ गए। तो दो हमने अभी बात की है कि इसमें क्षेत्र आपका व्यापक होता है और इसके अंदर आपका दीर्घकालीन समय लगता है। अब ये बताओ, ये सबसे पहली बात तो ये क्या होते हैं, जो आपके सामान्य उद्देश्य हैं ये अस्पष्ट होंगे, सीधी सी बात है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि आदर्श नागरिक है तो कैसे बनेंगे, कोई बता सकता है क्या, अब ये इतना आदर्श नागरिक बन गया कैसे, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वो आदर्श नागरिक बन गया है, कैसे बता दोगे आप ये आदर्श नागरिक बन गया, क्या ऐसा पैमाना है कि ये इतना होने के बाद ये आदर्श नागरिक बन चुका है, यानी सीधी सी बात है अस्पष्ट व अनिश्चित है। ये क्या है, अस्पष्ट अस्पष्ट व अनिश्चित होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्पष्ट व अनिश्चित होते हैं, लेकिन जो आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं ये स्पष्ट व निश्चित होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है कि मुझे आज क्लास के अंदर जो भी आप चीज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आप सीख रहे हैं कि आपको आज ब्याज सीख रहे हैं, तो आप ब्याज सीधा तौर पर है कि आपको ब्याज ही सीखना है, ठीक है, स्पष्ट है और निश्चित है, यानी कक्षा तक सीमित है, ये चीजें दीर्घ लघुकालीन है, अल्पकालीन है, संकुचित है, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्पष्ट व निश्चित होते हैं, तो यानी जो आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं, लेकिन जो आपके सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट और निश्चित नहीं होते। अब देखो सामान्य उद्देश्य हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक व्यापक क्षेत्र के अंदर है, तो व्यापक क्षेत्र के अंदर है तो इनका संबंध राष्ट्र से होगा, यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इन्हें केवल मात्र विद्यालय शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्यालय शिक्षा में तो केवल मात्र आपको किताबों किताबी ज्ञान दिया जाएगा, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आदर्श नागरिक बनने के लिए सीधी सी बात है व्यवहारिक ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए, हर एक क्षेत्र के अंदर वो अग्रणीय होना चाहिए। तो इनका संबंध सीधा सा लिख सकते हैं, इनका संबंध कहाँ पर होता है, राष्ट्र के साथ होता है, इनका संबंध, जो इनका संबंध है वो संपूर्ण राष्ट्र तथा समाज से होता है, इनका संबंध है वो संपूर्ण राष्ट्र तथा समाज से होता है, अतः इन्हें केवल विद्यालय ज्ञान द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य हैं आपके उन्हें क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्वभाव में
निश्चित होते हैं, प्रकृति निश्चित होती है, तो अतः इनका संबंध है वो शिक्षक शिक्षार्थी तक ही होता है। तो अतः इन्हें हम विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें हम विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चार पांच और हम करते हैं, लिख लो एक बार, आगे जगह नहीं है भाई, गर्मी बहुत पड़ती है अभी। ठीक है, अब देखो आगे अंतर हम और बात करते हैं, लिख लिया इतना। अब जो आपके ये सामान्य उद्देश्य हैं, इन्हें क्या आप माप सकते हैं क्या, बोलो क्या हम इनको माप सकते हैं, इनका मापन किया जा सकता है क्या, शाबाश बताओ मुझे, सोच कर देखो। क्या जो सामान्य उद्देश्य हैं, आप एक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, एक आदर्श नागरिक बनेगा तो ऐसा माप सकते हैं कि इतना आदर्श नागरिक बन गया, इतने 50% आदर्श नागरिक बन गया, 60% आदर्श नागरिक बन गया, 70% आदर्श नागरिक बन गया, तो इनका मापन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य हैं आपके, विशिष्ट उद्देश्य हैं, सीधी सी तौर है, आपको ब्याज सिखा रहा है तो ब्याज का टीचर टेस्ट लेगा, माप लेगा कि आपको कितना आता है, सीधा सा अर्थ है। तो यानी विशिष्ट उद्देश्य को तो मापा जा सकता है, लेकिन जो आपके सामान्य उद्देश्य हैं उनका मापन नहीं किया जा सकता। तो सीधा सा आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनका मापन, इनको पूर्णतः मापा नहीं जा सकता, इनको पूर्णतः मापा नहीं जा सकता, क्या इनको पूर्णतः मापा नहीं जा सकता, जा सकता वह न ही पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता, न ही पूर्णतः प्राप्त भी नहीं हो सकता, कोई कोई भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकता, पूर्णतः पूर्णतः प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनका पूर्णतः आप मापन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट होते हैं, तो इनका स्पष्ट व पूर्णतः मूल्यांकन संभव है, इनका स्पष्ट व पूर्णतः मापन या फिर मूल्यांकन दोनों ही संभव है, तो इनका स्पष्टतः पूर्णतः मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, इनका स्पष्ट व पूर्णतः मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। इनके अंदर देखिए क्या होती है, सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता, ये होते हैं व्यक्तिनिष्ठता वाले, यानी व्यक्ति की इच्छा पर आधारित होते हैं, यानी आप कोई भी मान लीजिए इंटरव्यू लेते हैं तो क्या होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ऐसे ही आदर्श नागरिक है, कोई उनका मूल्यांकन कर रहा है तो वो सीधे तौर पर क्या हो गए, उस व्यक्ति पर निर्भर हो गए, अगर कहीं पैसे वगैरह चलते हैं तो उसे आदर्श नागरिक ज्यादा बना देगा कि ये आपके आदर्श नागरिक बन गए। लेकिन ये क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सीधी सी बात है, ये क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ, ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठता इनमें होती है, यानी ये तो सब्जेक्टिविटी होती है, इनमें सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन उनमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी, इनके अंदर सब्जेक्टिविटी और इनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आपकी होगी। तो ये आपने पढ़ लिया अच्छे से, यहाँ पर सीधा सा ये क्या है, सामान्य प्रयोजन है, ये आपके विशिष्ट प्रयोजन है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ये आपके क्या है, सामान्य प्रयोजन, थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको, ज़्यादा कोई बात नहीं, सामान्य प्रयोजन, और जो आगे वाला है आपका वो विशिष्ट प्रयोजन हो जाएगा, ये हो गए विशिष्ट। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी इम्पोर्टेंट लगाकर, कि ये विशिष्ट उद्देश्य इनके अंदर समाहित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि हमने बात की थी कि जो सामान्य उद्देश्य आप प्राप्ति के मार्ग कौन होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग ही क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो सीधी सी बात है, विशिष्ट उद्देश्य इसके अंदर समाहित होंगे, तो ये लाइन भी आप लिख लीजिए, क्या कि जो आपके
ये जो विशिष्ट उद्देश्य हैं ये क्या होते हैं, इनमें समाहित होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य में समाहित होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ऐसा नहीं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य के अंदर नहीं। ये एक भाग कह सकते हैं आप, ये देखिए लक्ष्य और उद्देश्य जो आप प्राप्त करें उसका एक पार्ट है, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे आप विशिष्ट उद्देश्यों से ही आप उद्देश्य तक प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्या है, केवल मात्र एक भाग है, ये लक्ष्य उद्देश्य का एक भाग है, उद्देश्य का एक भाग है, ये लक्ष्य और उद्देश्य का एक भाग है। तो ये आपके हो गए शिक्षण के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, लिख लो इनको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। अब आगे बीएस ब्लूम साहब क्या करते हैं, ब्लूम साहब क्या करेंगे आगे, जो आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य हैं उनको तीन भागों में बांटते हैं। केवल मात्र बीएस ब्लूम नहीं, उनके साथी भी इनमें सहयोग करते हैं। तो बीएस ब्लूम क्रोथवाल, बीएस ब्लूम नाम आते हैं इनके, बीएस ब्लूम क्रोथवाल व इनके सहयोगी क्रोथवाल तथा इनके साथी तथा इनके साथियों ने क्या किया, व्यवहार के तीन पक्षों के आधार पर, व्यवहार के तीन पक्षों के आधार पर अनुदेशनात्मक आधार पर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को तीन भागों में बांटा। कौन कौन से तीन भाग हैं उनके बारे में हम लिखते हैं बांटा। नंबर एक ज्ञानात्मक कोग्निटिव, तीन पार्ट में लिखता हूं ज्ञानात्मक, इसे क्या कहते हैं कोग्निटिव, ज्ञानात्मक कोग्निटिव भावात्मक नंबर दो पर, दूसरा है भावात्मक, इनके बारे में अलग अलग हम बात करेंगे, अफेक्टिव भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक साइकोमोट, क्रियात्मक साइकोमोटर। तो ये बीएस ब्लूम साहब ने तीन भागों के अंदर उद्देश्यों को विभाजित कर दिया है। आगे कौन कौन से, नंबर एक पर हम बात करेंगे ज्ञानात्मक कोग्निटिव के बारे में, दूसरा इन्होंने विभाजित कर दिया भावात्मक अफेक्टिव के बारे में कि वो कितना भावात्मक है और क्या क्रियात्मक है, कैसे वो चलने दौड़ने की प्रक्रियाएं कर रहा है, किस प्रकार वो कार्य कर रहा है। तो इन तीन पार्टों के अंदर जो बीएस ब्लूम है और क्रोथवाल तथा इनके साथियों ने, बीएस ब्लूम क्रोथवाल तथा इनके साथियों ने इसके अंदर विभाजित कर दिया है। तो ये था भाई आपका, हमने आज पढ़ा है, हमने पढ़ा शिक्षण के उद्देश्य। तो सीधा सा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा एक क्विक रीजन आपको मैं दे देता हूँ, शिक्षण के उद्देश्य मैंने आपको क्या बताया कि शिक्षण का उद्देश्य होता है कि एक, मान लीजिए लंबा लंबे समय तक के लिए दीर्घकालीन उद्देश्य होता है कि एक छात्र को आदर्श नागरिक बनाना, ये शिक्षण का उद्देश्य होता है और आपको याद रखना है। और शिक्षण प्रक्रिया के अंदर एक शिक्षक चाहता है, शिक्षण प्रक्रिया चाहती है कि जो वांछित परिवर्तन है एक बालक के अंदर आए, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए, तो इसके बारे में भी हमने बात किया। फिर हमने सामान्य उद्देश्यों और विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, उनमें अंतर हमने पढ़े कि क्या क्या अंतर होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य हैं वो दीर्घकालीन होते हैं,
सामान्य उद्देश्य को अस्पष्ट होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं और वो आपके स्पष्ट होते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, वो सामान्य उद्देश्यों को प्राप्ति करने का एक प्रकार से मार्ग हैं, तो इनके बारे में भी हमने बात किया। फिर अंत में हमने बीएस ब्लूम के बारे में बात किया। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीन भागों में उद्देश्यों को विभाजित कर दिया, तो इसके बारे में भी हमने बात किया। तो ये था भाई आपका शिक्षण के उद्देश्य, अभी स्टार्ट किए हैं, आगे भी हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो एक दो क्लासेस और आपकी होने वाली हैं शिक्षण उद्देश्यों के लिए और इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको भी शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के यूजफुल लेक्चर आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। इस तरह ही मेहनत आपके लिए जारी रहेगी अगर ऐसे ही जो सपोर्ट मिल रहा है आपका मिलता रहा। तो चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।